हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरसी एजुकेशन हब ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 10th, चैप्टर 10 स्टार्ट कर रहे हैं हम आज। सर्कल्स। सर्कल्स क्या होता है? एक क्लोज फिगर होता है जिसकी फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस, सारे पॉइंटों की फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस सेम होती है। वो फिक्स पॉइंट क्या होता है हमारे पास? सेंटर ऑफ सर्किल। सेंटर ऑफ सर्किल यहाँ पर ओ है, और जो फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस होगी सेम, वो हमारे पास क्या होगी? उसकी रेडियस होगी। अब ये हमारे पास सर्किल है और सेंटर पॉइंट इसका है ओ, लेट ए बी। तो हमारे पास जो रेडियस होगी सर्किल की, रेडियस कौन कौन सी होगी? रेडियस को रेडी भी बोलते हैं। रेडियस कौन कौन सी होगी हमारे पास? ओ ए, ओ पी, ओ क्यू, ओ बी एंड ओ बी। ये क्या होगी? रेडियस ऑफ द सर्किल। एंड रेडियस को किससे डिनोट करते हैं? स्मॉल आर से। रेडियस को हम आर से डिनोट करते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास आर एस। ये हमारे पास हो गए, इस पार्ट को बोलते हैं हम सेगमेंट। सेगमेंट इट मींस आर्क और कोड के बिटवीन जो पार्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? सेगमेंट। कोड हमारे पास आर एस है। आर एस हमारे पास क्या है? कोड है। और ऐसे हमारे पास ये जो आर एस है, ये हमारे पास आर्क हो गया। आर एस आर्क, आर्क को डिनोट करते हैं ये कर्व बनाकर, आर्क। ऐसे आर्क हमारे पास क्या हो गया यहाँ पर? पी क्यू, पी क्यू आर्क, इसको भी ऐसे डिनोट करेंगे, ये भी आर्क हो गया हमारे पास। तो कोड और आर्क के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं सेगमेंट। और जो सर्किल की जो सबसे बड़ी जो कोड होती है वो हमारे पास डायमीटर होती है। यहां पर ए बी डायमीटर है, ए बी डायमीटर। और डायमीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई आर, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई रेडियस। डायमीटर इक्वल टू 2 आर, वी कैन से डायरेक्टली डायमीटर इक्वल टू 2 आर। डायमीटर रेडियस का डबल होता है। तो हम कह सकते हैं कि सर्किल के अंदर जो सबसे बड़ी जो कोड होगी वो क्या होगी? डायमीटर होगी। डायमीटर ऑलवेज सेंटर से पास होता है और ये सबसे बड़ी कोड होती है सर्किल। इसके बाद आर्क और कोड के बीच में जो पार्ट होता है उसे हम सेगमेंट बोलते हैं, और जो दो रेडियस के बीच में जो पार्ट होगा उसे हम बोलते हैं सेक्टर। ओपी एंड ओक्यू टू रेडियस है, और ये हमारे पास पी क्यू आर के, इसके बीच में जो पार्ट है उसे हम बोलेंगे सेक्टर। ओके, आफ्टर दैट वी आर डिस्कस डिफरेंट सिचुएशंस विद अ सर्किल एंड ए लाइन इन ए प्लेन। फर्स्ट सिचुएशन, ये कोई लाइन है हमारे पास एल, सर्किल को जो टच नहीं कर रही, इसको बोलेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग। कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा इस लाइन और सर्किल के बीच में, कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं होगा। सेकेंड है टेंजेंट, जो सर्किल को एक सिंगल पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही है। सपोज दिस पॉइंट इज पी, पी पॉइंट पर टच करते हुए निकल रही है, तो एल लाइन को क्या बोलेंगे हम? टेंजेंट। वन कॉमन पॉइंट ओनली, टेंजेंट में, टेंजेंट और सर्किल के बीच में वन कॉमन पॉइंट होगा। थर्ड है हमारे पास सेकेंड, कोई लाइन है जो सर्किल को दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, ए एंड बी दो पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो इस लाइन एल को हम बोलेंगे सेकेंड। आफ्टर दैट थ्योरम फर्स्ट, थ्योरम फर्स्ट इंपॉर्टेंट है। द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट क्या होता है? टेंजेंट का वो पॉइंट जो सर्किल को टच कर रहा है, इट मीन्स कॉमन पॉइंट। टेंजेंट एंड सर्किल का कॉमन पॉइंट को क्या बोलेंगे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। गिवन ए सर्किल विथ सेंटर ओ एंड ए टेंजेंट एक्स वाई,
xy at point P of the circle. To prove, हमें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है OP perpendicular xy. OP किस पे परपेंडिकुलर हो? xy tangent के परपेंडिकुलर हो, ये हमें प्रूव करना है. OQ intercept, एक Q पॉइंट लेंगे xy tangent पर और O को और Q को ज्वाइन करेंगे तो ये इंटरसेप्ट करेगा सर्किल के R पॉइंट पर. किस पर इंटरसेप्ट करेगा? R पॉइंट पर. Then OP equal to OR, radius of the circuit, and we can say OQ, OQ equal to OR plus RQ, OR plus RQ. Then OQ is greater than OR, it means OQ greater than OR or OQ greater than OP. That means we know that the shortest distance between a point and a line is perpendicular distance from the point to the line. So we can say OP perpendicular XY. Hence, prove. इसके बाद जो आपको होमवर्क में क्वेश्चन करने हैं, एक्सरसाइज 10.1 का ही क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी सर्किल हैव. आपको बताना है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन बी कैन ए सर्किल हैव. क्वेश्चन नंबर सेकंड, फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट, ए टेंजेंट टू ए सर्किल इंटरसेक्ट इट इन. टेंजेंट टू ए सर्किल, सर्किल को जो टेंजेंट है कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है? वन पॉइंट पर. तो आपका आंसर लिखना है यहां पर वन पॉइंट. Second, a line intersecting a circle is two point is called A. कोई लाइन सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट पर तो उस लाइन को क्या बोलते हैं? Second. जैसा भी डिस्कस किया था हमने, क्या बोलते हैं? Second. Third, a circle can have parallel tangent at the most. कितनी parallel लाइन हो सकती है सर्किल में? कितनी parallel tangent हो सकती है? Two. Fourth, the common point of a tangent to a circle and the circle is called. Tangent का common point circle का और tangent का common point क्या कहलाता है? Point of contact. Point of contact. Thank you.